हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। और यहाँ पे बात करने वाले हैं आज की वीडियो में इंडिया और श्रीलंका का जो पहला T20 मैच है जो कि कल होने वाला है, किस तरीके का मैच हो सकता है, कैसा जो है पिच रहने वाला है और कैसा ये दोनों टीमें जो है वो खेल सकती है। क्योंकि आपको पता होगा कि दोनों में जो है वो काफ़ी बहुत सारा यंग प्लेयर्स जो है भरे हुए हैं। इंडिया में भी जो है नए कैप्टन, नए कोच, नए प्लेयर्स, तो किस तरीके से जो है परफॉर्म कर सकता है उसको हम लोग डिटेल्स में एक एक करके जो है चर्चा करते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होगा वो आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि ये जो मैच है पहला T20 मैच होगा। टोटल 3 T20 मैचेज है, 3 ODI मैचेज है और ये जो है आपको पहला सैटरडे को जो है वो आपको देखने को मिलेगा जो पहला मैच होगा। और ये आपको जो है 7 PM से इंडिया में जो है वो लाइव होगा। लाइव जो आप इसे सोनी लाइव पे देख सकते हो। और अगर हम लोग वेन्यू की बात करते हैं तो पलकेले स्टेडियम पे जो है वो देखने को मिलेगा। तो किस तरीके का हो सकता है इसको हम लोग डिटेल्स में चर्चा करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही ये जो व्हाट्सअप का नंबर है आप यहाँ पर जुड़ सकते हो जहाँ पर आपको विनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगा। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो कॉल पर सर्च करके या फिर डायरेक्ट यहाँ पर स्कैन करके। कुछ इस तरीके से जो है आपको चीज़ें जो है देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे वर्ल्ड कप से रिलेटेड, IPL से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है कराई गई है जो कि आने वाले मैचेस में भी जो है आपको देखने को मिलेगा। और खासकर LPL और जो TNPL है वो भी जो है साथ में चलेगा, तो उसका पूरा डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। तो वीडियो को जो है वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आप पहले कर लेना। पलकेले के पिच रिपोर्ट की बात करते हैं तो पलकेले का जो पिच रिपोर्ट है यहाँ पे आपने LPL के अभी बहुत सारे मैचेस देखे होंगे और आप बहुत सारे मैचेस में आपने देखा होगा कि वहाँ पे रन जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो कभी कभी बनता है, कभी जो है बहुत रन नहीं बन रहा था और कभी बहुत अच्छे से चेस हो रहा था। तो इस तरीके का जो है पिच आपको बिहेव करते हुए नज़र आ रहा है। अब पलकेले की अगर हम लोग पिच की बात करते हैं T20 में तो आप देखोगे तो पिच जो है ना वो फ्लैट मिलता है और बहुत ही आइडियल कंडीशन रहता है बैटिंग के लिहाज से। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो अभी वेदर है ना वो क्या है, अभी वेदर में नमी बहुत ज़्यादा है, बारिश वाला सिचुएशन है। ऐसा हो सकता है कि एक दिन पहले, 2 दिन पहले या सिर्फ उसी दिन जो है बारिश हुआ जिसके चलते आउटफील्ड थोड़ा सा स्लो हो सकता है और बॉलिंग में जो है थोड़ा सा इफेक्टिवनेस आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन ट्रेडिशनली अगर देखोगे तो काफ़ी हाई स्कोरिंग पिचेज जो रहता है और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर रन लगते हुए नज़र आते हैं। बैट्समैन के लिए एक बहुत ही अच्छा स्कोप यहाँ पर रहता है, तो जो भी बैट्समैन होगा काफ़ी अच्छे फॉर्म में होगा आप यहाँ पे इस ग्राउंड पे जो है उस पर रिस्क लेके जा सकते हो क्योंकि एक अच्छा परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे दे सकता है। अब जो स्ट्रॉन्ग लाइनअप होगा जिस भी बैटिंग टीम का आप देखोगे यहाँ पे बड़ा स्कोर देखते हुए नज़र आएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉलर्स की तो पिच जो है बैट्समैन के लिए फेवरेबल है, तो बॉलर्स के लिए ऑफकोर्स बहुत अच्छा स्किल चाहिए तभी जो है एक विकेट जो है वो एक्स्ट्रा निकाल पाएंगे। लेकिन अगर बात करते हैं जैसे वेदर फोरकास्ट की बात किया कि अगर पिच में नमी रहता है तो ऑटोमेटिकली जो है आप देखोगे कि बॉलर्स को जो है बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है बॉल गिरने के बाद जो बाउंस होता है परफेक्टली वो नहीं आता, जिसके चलते जो है विकेट जाने के चांसेस या फिर एज लगने के चांसेस, कैच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक है तो वो जो है ना इस पिच पे जो है ना वो वेरिएशन क्रिएट कर सकता है जिससे जो है विकेट मिलने के चांसेस बढ़ जाएगा। अब कैसे, जैसे मान लो कि कोई किसी टीम में जो है 2-3 बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलर से बहुत अच्छे लाइन लेंथ के साथ बॉलिंग कर रहा है तो उससे क्या होता है ना कि उनके ओवर में जो है इकोनॉमी रेट होता है काफ़ी कम हो जाता है, रन रेट जो होता है वो बहुत ही स्लो चलने लगता है। तो जिसके बाद जो भी बॉलर्स आते हैं उसमें जो है जो भी बाद में बॉलिंग करते हैं उन पर रिस्क लेना शुरू कर देते हैं बैट्समैन, जिसके चलते विकेट जो है जाने के चांसेस बहुत अच्छे से रहता है। लेकिन अगर बैटिंग पिच है तो बॉलर को एक बात हमेशा समझ लेना चाहिए कि उसे बिल्कुल स्मार्ट तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से बॉलिंग करनी है तभी जो है इस ग्राउंड पे जो है विकेट मिल पाएगा। और ये चीज़ें हमने LPL में भी देखा था कि जो भी बहुत ही स्मार्ट तरीके से और डिसिप्लिन तरीके से बॉलिंग कर रहा था, स्मार्ट मतलब कि बॉल जो है ना वही एक ही वेरिएशन के साथ बॉलिंग नहीं करना, कभी जो है शॉट दे रहा है कभी फुल पेज दे रहा है, लेकिन डिसिप्लिन क्या था कि विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहा है तो उसे विकेट मिलना कोई बड़ी बात जो है यहाँ पे नहीं नज़र आ रही थी। यहाँ पे एक बार स्टेट्स देखते हैं इसका, तो स्टेट्स में अगर आप देखोगे तो टोटल 22 जो है T20 मैचेज हो रखा है जिसमें से 12 जो है फर्स्ट बैट जीता है, 8 जो है सेकेंड बैट जीता है और 2 मैचेज यहाँ पे टाई हुआ है। और एवरेज इनिंग देखोगे तो 170 है, 70-75, इसका मतलब यही कि यहाँ पे रन जो है बहुत ज़्यादा बनता है। और इन टोटल 22 मैचेज में से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो आप देखोगे ऑलमोस्ट हर एरिया में जो है वो सेम रन जो है आपको देखने को मिलता है, यानी कि 150 से नीचे 5 है उसको, 150 से 70 के बीच में 5 है, 170 से 90 के बीच में 6 है और 190 से ऊपर 6 है। इसका मतलब यही है कि जो भी रन है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि यहाँ पे आप बिल्कुल भी जो है ना ये नहीं मान के चल सकते हो कि हाँ रन इस एरिया में जाएगा, शुरुआत में विकेट जाएगा तो हो सकता है 150 से नीचे रह जाए, 170 से नीचे रह जाए और थोड़ा सा पार्टनरशिप अच्छा मिल गया तो हो सकता है कि 170 190 के ऊपर आराम से रन जो हो चला जाए। और ये एवरेज इनिंग जो रन भी दिखा रहा है ना वो इसी को दिखा रहा है कि यहाँ पे रन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से बनते हुए नज़र आता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लास्ट के 4 मैचेज हैं, हालांकि T20 मैचेज जो है वो अभी हुआ नहीं है यहाँ पे अभी रिसेंट में,
तो देखो कि 2022 के मैचेज है, 20 के मैचेज है, 19 के मैचेज है, और 2019 के मैचेज है, लेकिन डोमेस्टिक बहुत सारा मैचेज यहाँ पे हो रखा है। डोमेस्टिक अभी रिसेंट टीम ने जो है वो यहाँ पे एलपीएल के मैचेज देखे हैं। तो अब उस मैचेज में आप देखोगे ना, तो ऑन एवरेज आप देखो तो यहाँ पे 190 है, 125 है, 140 है और 175 है। तो अगर आप इससे अंदाजा लगाओगे तो आप देखोगे, देखो यहाँ पे 150 से नीचे एक का स्कोर है, 175 के नीचे एक का स्कोर है, 190 के नीचे एक का स्कोर है, और 190 से ऊपर जो है आपको एक का स्कोर देखने को मिलेगा। तो ये स्कोरिंग एरिया जो है ना वो यही बताता है कि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है कि मैच एक ही स्कोरिंग एरिया में रहेगा, वो मैच जो है वो चारों स्कोरिंग एरिया में जा सकता है, जिस तरीके का जो है मैच अभी रहा है रिसेंट में, जो है आपने एलपीएल में भी इसी तरीके का मैच देखा होगा। अब बात करते हैं हेड टू हेड का दोनों टीमों का। तो हेड टू हेड में अगर हम टोटल मैच की बात करें तो 28 मैचेस दोनों टीमों पर ली गई है, जिनमें से इंडिया 19 जीता, श्रीलंका जो है 9 जीता है। रिसेंट मैचेज में देखोगे तो इंडिया 5 मैचेज जिम्बाब्वे से खेल कर, जिसमें से एक पहला हार गया था, 4 जीता है, और उसके बाद श्रीलंका की अगर हम बात करें, श्रीलंका रिसेंट के 5 मैचों में से 2 जीता है, एक इनका जो है बारिश के चलते नहीं हुआ था, और 2 मैचेज जो है वो ये हार चुके हैं। अब इंडिया के और श्रीलंका के लास्ट के 3 मैचेज देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि इंडिया जो है वो पिछले साल आपको देखने मिलेगा कि जो दिसंबर जनवरी था उसमें जो है आया था इंडिया में, और वहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि जो 7 जनवरी के मैचेज हुआ था T20 में, आप देखोगे इंडिया 228 बनाया, श्रीलंका 137 बनाया। उसके बाद से 5 जनवरी के मैचेज हुआ था, श्रीलंका 206 बनाया, इंडिया 190 बनाया, और उससे पहले 3 जनवरी के मैचेज हुआ था, उसमें आप देखोगे कि वानखेड़े में इंडिया 162 बनाया और श्रीलंका जो है आपको 160 बनाया। तो इस तरीके का जो है कुछ टक्कर जो है वो दोनों टीमों में रहता है, और ये आपको यहाँ भी जो है नज़र आएगा। 3 मैचेज है तो देखना ऐसा रहेगा कि कोई 2 जीतेगा, कोई 1 जीतेगा, लेकिन टक्कर का मैचेज जो है वो रहता है, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल वन साइड जो है मैचेज आपको देखने को मिले। बात कर लेते हैं अब आगे कि प्लेइंग 11 जो है वो कैसा रहने वाला था। दोनों टीमों में जो प्लेइंग 11 है वो 15-15 टीम का जो है वो आपको देखने मिलेगा कि अनाउंसमेंट हुआ है, और 15 टीमें ऐसे हैं जो कि आपको खेलते हुए जो है नज़र आ सकती है, एक दो मैचेज जो है वो खेल कर करके। अगर हम लोग इंडिया की तरफ से बात करें तो यहाँ पे लीड जो है इस बार जो है सूर्य कुमार यादव कर रहे हैं, इसके अलावा शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ऋषभ पंत, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज और हरदीप सिंह, ये जो है ना प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, जिसमें से जो है आप देखोगे तो अगर हम लोग रिसेंट सीनरी में फॉर्म की बात करते हैं तो गिल का फॉर्म अच्छा है, जायसवाल का अच्छा है, रिंकू सिंह का भी अच्छा है, सूर्य कुमार यादव का जो है थोड़ा बहुत डमाडोल जरूर है, लेकिन इनका फॉर्म तो वैसे भी जो है 4-5 मैचों से एक में आता है। दुबे का फॉर्म अच्छा है, पांड्या का भी जो है वो अच्छा है, पटेल का भी अच्छा है, ऋषभ पंत का भी ठीक है, बिश्नोई का भी ठीक है, सिराज का भी ठीक है, और सदीप का सिंह, तो आप देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम जो आपको इंडिया वाला नज़र आएगा, क्योंकि सभी जो है ऑलमोस्ट अच्छे फॉर्म में है। श्रीलंका में वही देखोगे, श्रीलंका जो है वो ये सभी टीमें जो है अभी जो है एलपीएल खेल के आ रहे हैं, और ये सारे वही प्लेइंग 11 में है जो कि एलपीएल में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिया है जिन्होंने, जैसे आप देखोगे चाहे निशंका हो, फर्नांडो है, चरित असलंका हो, धनु सनाका या वंगडू हसरंगा हो, दिनित वेलेग हो, कुशल पेरेरा, कुशल मेंडिस जो हो, इसके बाद दिनेश चंडीवाल, महेश तिलसना, पथिराना, दिलशान मधुसंका, तो ये सारे वो प्लेयर हैं जो कि अपने अपने टीम के लिए बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस करके एलपीएल में आ रहे हैं। तो यही जो है प्लेइंग 11 रहने वाला है, ऑलमोस्ट दोनों टीमें काफ़ी बैलेंस आपको नजर आएगी, और परफॉर्मेंस भी आप देखोगे तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम का। तो अभी ये जो है स्मॉल लीग का टीम है, जहाँ पे आप विकेट कीपर में देखोगे तो हमने मेंडोज को और पंत को रखा है, और अगर बैटिंग की बात करते हैं तो जायसवाल को, निशंका को और असलंका को रखा है, और यही अगर हम लोग बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो आप देखोगे वांगडू, हसरंगा, सनाका और जीवन दुबे का। आप देखोगे यहाँ पे बैटिंग लाइनअप में जो है आप चाहो तो असलंका को हटा कर गिल को भी ऐड कर सकते हो, या फिर निशंका को हटा कर गिल को जो है ऐड कर सकते हो, या फिर कुशल मेंडिस को डायरेक्टली हटा के यहाँ पे गिल को जो है ऐड करके 4 बैट्समैन आप ले सकते हो, तो वो जो है आपके लिए एक जीएल या फिर जो है स्मॉल लीग की टीम जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेगा। और बॉलिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हर्षदीप को रखा है, इसके अलावा जो है आप देखोगे बिश्नोई को रखा है, सिराज को रखा है, आप चाहो तो सिराज को हटा के या फिर बिश्नोई को हटा के जो है आप श्रीलंकन बॉलर जो है उनको जो है आप यहाँ पे ला सकते हो, तो वो भी जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस जो आपको दे सकते हैं। तो ये जो है टीम का वेरिएशन हो गया, जिन्हें जो है आप यूज़ कर सकते हो अलग अलग टीम के लिए। टेलीग्राम से जो है जुड़ जाना, आपको ड्रीम 11 से रिलेटेड टीम चाहिए तो स्क्वाडिंग 11 सर्च करके या फिर डायरेक्टली यहाँ पर सर्च करके, और आप फिर व्हाट्सएप पर भी जो है जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ जो है मिल जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि कोई भी वीडियो जो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ में अभी तक जो है आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो व्हाट्सएप का नंबर है जहाँ पे आप जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको बिगिनर सेशन एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएगा। साथ में आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो डायरेक्टली यहाँ पर स्कैन करके, या फिर कॉल फ्रीजर सर्च करके जो है आप यहाँ से स्कैन कर लेना, और आगे वाली वीडियो जो भी आएगा उसको जो नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।